आगामी लोकसभा चुनाव के चलते सभी लघु दीर्घ दलों की महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ रही है। इसी बीच अब राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने आयोजित पत्र परिषद में दी। इस वक्त जानकारी देते हुए मौजूद गोपाल भारती एवं डॉक्टर अनिल कुमार नागपुत्र और एडवोकेट रमेश पेसे ने बताया कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा समेत इस चुनाव में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, रिपब्लिकन, बहुजन, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, आंदोलनकारी, अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय, किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी संगठना के संयुक्त विद्यमान से डॉक्टर संवैधानिक भारत राष्ट्र नव निर्माण आंदोलन अंतर्गत गोपाल भारती राष्ट्रीय संयोजक एनयूएफ इंडिया या राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत लोकसभा 24 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। किसानों के लिए एमएसपी कानून, सभी जातियों के साथ ओबीसी की जातिवार जनगणना, ईवीएम को खत्म कर 24 का चुनाव बैलेट पेपर से लिया जाए, साथ ही साथ निजीकरण बंद कर कृषि सहित सभी बागवानी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बेरोजगारों के लिए रोजगार एवं बुनियादी सुविधाएं आदि मांगों समेत अलग विदर्भ पर राज्य सहित कई छोटे राज्यों का निर्माण, जूनी पेंशन योजना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी कर्मचारियों को रिवर्स पेंशन, महिलाओं को पुरुषों के साथ समान संवैधानिक अधिकार और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और सुरक्षा, ओबीसी एससी एसटी आरएम यानी केजी से बहुजन छात्र पीजी तक मुफ्त शिक्षा और शिष्यवृत्ति, मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण, विभिन्न कार्यों के साथ यह चुनाव राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा लड़ेगा, ऐसा इस वक्त गोपाल भारती इन्होंने बताया। प्रायव्हेटायझेशनचे विरोधक, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळायला पाहिजे, एमएसपी मिळायला पाहिजे, ह्या कॉमन मुद्द्यावर जी जी मंडळी विदर्भात आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये काम करतात, आम्ही त्यांच्यासोबत वैचारिक आमचे काही संबंध जोडले आणि त्यावर हा मोर्चा तयार झालेला आहे। आपण जो प्रश्न केला सर, आताच थोड्या वेळाने बाहेर निघताना अरुण रावांशी आणि बाबनरावांशी माझं खात्रीत बोलणं झालं। काल आम्ही अमरावतीला प्रेस घेतली, तिथेही आमचा मुद्दा वेगळा विदर्भ हा होताच, तो कळीचा मुद्दा आहे आणि तो काही राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाचा किंवा पुन्हा एका रमेश पिसेचा मुद्दा नाही आहे किंवा अरुण रावांचा मुद्दा नाही आहे, तर तो संविधान निर्माता भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला मुद्दा आहे। केवळ वेगळा विदर्भ नव्हे तर वेगळ्या विदर्भासह छोटी राज्य निर्माण झाली पाहिजेत, कारण आपण बघा की जेव्हा ही 4 छोटी राज्य निर्माण झाली त्यांचा जीडीपी, मागे सांगितलं होतं की एक्झॅक्टली त्यांचा जीडीपी हा आता डबल झालेला आहे। मग छत्तीसगड घ्या, तेलंगणा घ्या, तुम्ही त्यांचा जुना आणि तो शासकीय फिगर आहे। आज हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, इन्होंने अपने तमाम मुद्दों पर जो है ब्रीफ उनसे आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। मैं पूरा जो इसका ब्रीफिंग है पूरे देश भर में और विदर्भ में हमारी क्या रणनीति है 2024 के तहत, तो आज आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, विभिन्न पार्टियों के भी यहाँ पे शामिल हैं। हम भारत के अंदर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से जो भारत के चुनाव आयोग में जो है कम से कम 2500 से 3000 पार्टियां जो है रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, उनमें से हम 100 पार्टियों को जोड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो 15 लाख सामाजिक और आर्थिक संगठन है उसमें से हम लोग जो है 10,000 संगठनों को जोड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा जो संगठन है ये कल्चरल, सोशल और लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के लिए हमने निर्माण किया है। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।